स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। तो कल थी बहुत तेज आंधी और बारिश, तो पूरा घर मिट्टी मिट्टी से भर चुका है। ये सीढ़ियां हैं भाई, जीना है तो इसमें ये पौधे लगा रखे हैं। इसमें ज़्यादा पानी होने के कारण जो इसमें मिट्टी थी वो भी निकल के बाहर आ चुकी थी। तो फिर ये यहाँ पे मैंने सारी जो उसे गेट वगैरह थे, गैलरी थी, और सारा यहाँ तक मैंने धो दिया है अच्छे पानी डाल डाल कर, क्योंकि वैसे ये कीचड़ साफ़ होने वाला नहीं है। गमले में जो मिट्टी होती भाई एक्स्ट्रा पानी के साथ, वो मिट्टी भी निकल रही थी। फिर यहाँ झाड़ू लगाने से काम नहीं चलेगा, और पोछा लगाऊंगी तो कई बार फिर पानी चेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने यहाँ पर धो दिया है। बाहर का ये मेन गेट है, ये वाला भी मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि भी तूड़ी का काम हो रहा था यहाँ पर, जो गेहूँ की कटाई हुई है उसके बाद सब अपने घरों में तूड़ा वगैरह स्टोर कर रहे हैं, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और ये उड़ रही थी 2-3 दिन से। और अब बारिश के बाद सब कुछ साफ़ हो चुका है। तो फिर मैं अपने घर की साफ़ सफाई में भी लग गई थी। यहाँ पर कल रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पानी पूरे में फैल चुका था। तो फिर अब मैंने थोड़ा सा रेड हरपिक पानी में मिलाकर अच्छे से साफ़ कर दिया है, और फर्श एकदम बिल्कुल चमक उठा है। तो भी मेहनत तो लग गया है, पर यह एकदम साफ़ हो चुका है बिल्कुल। और पोछा लगाने थे इतना साफ़ नहीं हो पाता, क्योंकि भी कई बार पानी चेंज करना पड़ता है। और फिर यहाँ पर रात में पानी आ गया था, और उसकी वजह से मिट्टी भी थी साथ में, क्योंकि यही ऊपर फाइबर लगा हुआ है तो उसके कारण फुहारे आ रही थी, और यहाँ पर घूम रहे थे। कल दक्ष का बर्थडे था तो उस कारण फिर ज़्यादा ही किचकिच सी हो रखी थी। फिर मैंने धो दिया और अब बना लेती हूँ खाना। और अब खाना रेडी हो चुका है, तो चलिए भाई पापा को देख के आते हैं पहले, और फिर बाद में मैं खाऊंगी। तो पापा की रोटी दी आई थी भाई डाल के, और साथ के साथ मैं फिर अब ये गैस लैप है ये भी साफ कर देती हूँ। बस उनकी रोटी बनानी थी और अपनी, ज़्यादा रोटी नहीं बनानी थी, 5-7 रोटी सेकनी थी, वो फटाफट सिक गई। और यहाँ पर ढेर लगा हुआ बर्तनों का, तो फिर मैंने सोची कि बाद में ही खाना खाऊंगी और बाद में ही नहाऊंगी, आज तो पहले बर्तन है वो साफ़ कर देती हूँ। फिर मेरे को भी वीडियो का भी एडिटिंग वगैरह का काम था, गैस लैप साफ़ कर दिया, और ये वॉलपेपर पे भी थोड़ा सा गिल्ला कपड़ा लगा देती हूँ। एक साइड का तो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, और दूसरी साइड का ये हो चुका है गड़बड़ में। तो यहाँ पर अब वैसे भी मौसम चेंज हो चुका है, एसी वगैरह की ज़रूरत है नहीं। और ये एक रैक था जिसमें आलू प्याज ये रख देते हैं, तो इसका ये मैंने निकाल कर रख दिया। अब देखती हूँ भाई इसे दूसरी जगह पे यूज़ करूँगी, अभी इसको धोकर और रख दूँगी। ये लोहे का है, स्टील वगैरह का होता है वो काफ़ी दिन चल जावा है। ये लोहे का भी नीचे तो थोड़ा सा इसका पेंट वेंट निकल रहा है, तो देखती हूँ भाई इसका कहाँ पर यूज़ करूँगी, इसका कवर वगैरह बना कर, और तब देखूँगी मैं, वो आपके शेयर करूँगी। साफ़ सुथरा और रखा है, सूख भी गया पूरा घर आज अच्छी तरह से, बिल्कुल साफ हो रखा। 2 दिन तक वो रखी थी बारिश का मौसम, धूप भी निकल रही है, और साफ हो गया है बिल्कुल, चमक गया फर्श। और मैं अब यहाँ पर बना रही हूँ चाय, ये बर्तन है सूख चुके हैं, तेज सारे हो जाऊँगी, यहाँ पर चाय बनाने लग रही हूँ। तो अभी 3 बजे हैं, तो पापा को जाना भी कहीं पर बाहर, तो उनके लिए इसलिए बना रही हूँ, वरना 3:30 बजे के बाद बनाया करें। और ये वॉलपेपर बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, यहाँ इस साइड वाला तो ख़राब हो गया, और ये वाला बिल्कुल ठीक है, और ये वाला भी ठीक चल रहा है, पर ये वाला ठीक नहीं निकला। तो मैं इसमें अदरक वगैरह डाल दूँ। और यहाँ पर अब मैं लेके बैठ गई थी अपनी सिलाई मशीन, पंखे की ज़रूरत तो थी नहीं क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा है बारिश की वजह से, और मैं यहाँ पर लेके बैठ गई क्योंकि भाई यहाँ चौक में अच्छी तरह रोशनी भी आ जाओ है, और खुला खुला सा भी है। तो यहाँ पर मैंने सूट की कटिंग तो कर ली थी, पर ये रह गया था वीडियो की एडिटिंग वगैरह की काम निपटाया, और फिर थोड़ी देर के लिए मैं आई थी लाइव। तो भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, मैं लाइव
आना स्टार्ट किया है, 12 बजे दोपहर 12 बजे मैं आती हूँ डेली, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो तो इससे मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो यही कहना चाहूँगी, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो ना लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो और कमेंट जरूर छोड़ा करो भाई, जिससे पता लगे कि आप कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है कौन नहीं देख रहा। तो पता नहीं क्या शर्म आ रही है आप लोगों को कमेंट करने में। तो भाई अब मैं अपना सिलाई का काम स्टार्ट कर देती हूँ। ये मैं बना रही हूँ कुर्ती और ये अभी तक मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, कई दिन हो गए सोचते सोचते कि करूँगी करूँगी, और मैं देख रही हूँ भाई फ़ोन की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो होने के बाद फ़ोन हैंग होने लग जाए। और मैं सोच रहा हूँ कि क्लिप है जो वो निकल जाएगी और फ़ोन हो जाता मेरा बंद, तो पता नहीं लगता, तो इसलिए बहुत सारा काम करना पड़ जाता है अभी वीडियो के लिए भी। ऐसा नहीं है कि बस फ़ोन उठाए और बन गई। तो यहाँ पर अब सी लेती, देखूँगी कितना क्या हो पावा है क्या नहीं हो पाता। तो ये गर्मी का है सूट, देखेंगे भाई, ब्लैक कलर का मेरे पास है नहीं एक भी, तो ये मैं ब्लैक कलर का सील रही हूँ। वैसे तो है कॉटन का, देखेंगे भाई कैसा निकलेगा। इसकी चुन्नी अच्छी है, मल्टी कलर में है, जिस दिन पहनूंगी उस दिन अच्छे से दिखा दूंगी। और एक और कुर्ती निकाल कर रख रखी हूँ, उसको देखूंगी भी ठीक कर लूंगी, उसका गरारा सरारा है। और अभी तो देखूं भाई ये कंप्लीट हो जाए वो ही अच्छा है, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा, मेरी तबीयत कुछ ऐसी डगमगा सी रही है, क्योंकि भी पूरा दिन लगी रहती हूँ और लेटने के बाद फिर मेरे थोड़ा सा ज़्यादा आलस आलस सा बन जावे है। तो बहुत से आदमियों का तो ये है कि भी मेरे पति नहीं पता नहीं कहाँ या बीमारी लग रही है कि लेटने के बाद फिर मेरा एकदम लो लो सा फील होता रहा है, वरना थोड़ी बहुत देर रेस्ट कर ले तो ठीक रहता है। मैं भी कई बार सोचूं कि पता नहीं यह कहाँ तक ये दिक्कत लगी कि दिन में इंसान रेस्ट भी कर रहा है और सो भी जावे हैं, और मेरे ये है कि भी मैं जब सो लेती हूँ ना तो फिर मेरा सब कुछ गड़बड़ हो जा रहा है। ये है कि भाई नींद भी पूरी नहीं होती और आलस भी नहीं हटता, काम करने का भी मन नहीं करता, किसी से बात करने का भी मन नहीं करता। ऐसा वो होता है ना कि भाई बच्चा कच्ची नींद उठने के बाद चिड़चिड़ा सा हो जा रहा है, तो वो वाला काम बन जा मेरे साथ, और फिर मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा नींद आती रहा है कि टाइम तो पहला ही मैं सो जाऊँ। और ये अब शाम का टाइम हो गया है और दक्ष आ चुका था स्कूल से, तो मैं सोच रही थी कि मशीन लगाऊंगी, पर काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था आज, तो फिर मैंने मशीन नहीं लगाई। बस ये इसके है जो इसने शनिवार के दिन पहन के जाने हैं ये वाले कपड़े, तो वो वाले धो कर सुखा रही हूँ बस, और बाकी तो भी काम चल यहाँ जाएगा। कहीं कहीं फैला पड़ा मेरा सारा काम। और ये दक्ष जा रहा है स्कूल, ना ट्यूशन, स्कूल कह रही। तेरे कपड़े धोए हैं भाई, मशीन ना लगाई आज, न्यू हाथ धो दिए, जो जितना काम था न्यू का न्यू छोड़ दिया, कुछ काम नहीं हुआ। इतनी जोर तो सर में दर्द हुआ कि बस पूछो मत। ठीक है, अब भी थोड़ा हल्का हल्का है भी, पर काम तो करना, चाय भी ना पी आज मैंने, बहुत जोर से दर्द, जोर से दर्द हो रहा है, बस पूछो ही मत, लाल मुंह हो रहा है। प्रसाद लिया जा, जोत लगा पानी के थान का भी और नुआ का भी आना है दादा, कौन सा भी लिया ना, 10 रुपए का केक रहेगा। इसने हर बार अपना वो चाहिए है, कुछ भी सामान मंगवा ले, इसने हर बार अपना कमीशन सी ये कुछ खाने का, तो इन पे चीज मंगवाए का ये वो है, 10 रुपए की चीज लेकर आऊंगे, 10 रुपए का जो सामान मंगवाया है वो आवेगा, सामान मिलो ना मिलो इन अपना कमीशन जब काट लेना है। तो भी पहला ये उठा कर रख दूं, और बहुत तेज दर्द होया, एकदम गर्म है, बाम भी लगाई दवाई भी ली, बिल्कुल हाथ पैर भी कपन लग गए थे, ये सिर का दर्द बहुत दिक्कत कर दे रहा है। और इसमें देखो लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ यहीं पर डाल रखे, आते बैग यहाँ पर पटक दिया, और फिर उसके बाद मम्मी उठाओ, तो भी पहले मैं
मैं समेट कर रखू हूँ और यहाँ पे लगा दी हमने जोत और पीछे है खेत खाली, बिल्कुल कुछ नहीं है। नहीं और ये ईंधन पड़ा है, चूल्हा तो जलाती नहीं, लकड़ी पड़ी है। और ये देखो ये डाल रखे है, ये खाली ने और ये भर के लेके आई थी मिट्टी डोली में खेत में, तो आपको देव में लगा डाल दूंगी बहुत। और वैसे तो भी कोई लेख नहीं आता, तो इस डोली में भर के लेके आनी पड़ेगी अब एक महीने तक, फिर लग जाएगा देव। और भी पौधे वगैरह होंगे उनमें डाल दूंगी। और ये देखो भी टमाटर की प्योत कैसी हो रखी है, एकदम साफ सुथरे हो गए, ग्रीन ग्रीन बिल्कुल साफ हो गए धो गए। और ये क्या देखा भाई तू, यो भाई दिन रात पतंग उड़ाई जा है, 2 बजे 3 बजे 10 बजे 6 बजे सुबह 5 बजे उठ कर लाग गया घर है। और 1 बजे लाग गया घर है, 1 बजे लाग गया पतंग उड़ान है? ये देखो, चलो भैया अब नीचे चलेंगे, डोली कर दी खाली। भाई छात पूद मस मत तारिया कर तू, बहुत बार रुके मारू मैं, ठीक रह के राजी राजी, कितने प्यार तक कहूं हूं मान जा। सारे दन दबड़ 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 और मुंह बिना दिखता ले, बस राजी वीडियो में आ गई राजी राजी हो गया चिंकी के मम्मी ने वीडियो में ले लिया, मेरी वीडियो बना दी चिंकी के।